किसी पिलियन को बिठा रहे हो, हैवी पिलियन को, तो आपका हैंडल हिलेगा क्योंकि नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप हैवी पिलियन को अपने पीछे बिठा के बाइक चलाते हो तो आपका हैंडल ये थोड़ा ऐसा क्रॉस टेढ़ा मेढ़ा हिलने लगता है। सो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा एक सब्सक्राइबर बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था इस वीडियो के लिए, आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा था तो मैं ये वीडियो बना नहीं सकता। मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था बट उसमें जो प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता था, मैंने कुछ टिप्स दिए थे, बट ये वीडियो जो रहेगा वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम के बारे में है। सो वो क्यों होता है एंड उससे आप किस तरीके से लाइक अ सॉल्यूशन इसके अंदर भी, इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। सो वाह, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है एंड बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट भी किया था कि जब हैवी पिलियन को बाइक के पीछे बिठा के जब हम लोग चलाते हैं तो हैंडल एकदम से लूज़ हो जाता है, जबकि वो नॉर्मल चलाते हैं या फिर सिंगल में चलाते हैं तो सब चीज़ ओके रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला हूँ एंड सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है, कुछ टिप्स भी रहेंगे साथ में। तो पहला चीज़ तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये बाइक है, बाइक का वेट होता है बराबर, अगर बाइक का वेट प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। अब ये प्रॉब्लम कैसे है मैं आप लोगों को एक आइडिया बताता हूँ। बाइक में दो व्हील होते हैं, एक आगे एंड एक पीछे बराबर। बाइक का इंजन ज़्यादा करके मिडल में होता है। अब मेरा डोमिनार है, मैंने हैवी पिलियन को बिठा के ट्राई किया था, मेरे साथ मेरे ऑफिस के कलीग ज्वाइन करने वाले हैं मुझे एंड वो यहीं पे रुके हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। सो जैसे आप देख रहे हो यहीं पे है एंड हम हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं मेरे ऑफिस तक। बट मुझे ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया, इवन तो मैं जब भी एकदम से स्लो स्पीड में चला रहा था तभी भी मेरा बाइक का स्पीड एकदम से स्लो है, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना, और फिर भी मेरा हैंडल इधर उधर नहीं घूम रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना हैंडल को स्टेडी रखा है एंड फिर मैं इसके हिसाब से तो बाइक चला रहा हूँ। बट जब भी लाइक आप लोग चलाओगे तो आप लोगों को ये तकलीफ़ होगा, इवन स्कूटी में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाइक का वेट, अगर बाइक का वेट इक्वली बैलेंस है एंड ये चीज़ सोचो कि जैसे यहाँ पर एक छोटा छोटा इंजन है एंड पीछे अगर हैवी पिलियन बिठा है तो क्या होगा कि पीछे के साइड में ज़्यादा प्रेशर आएगा, ज़्यादा लोड आएगा। पीछे के साइड में ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा लोड आने की वजह से बाइक का आगे का सस्पेंशन एकदम से लूज़ हो जाएगा एंड बाइक एक तरीके से हवा में आ जाएगा। यस, तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है एंड इसका सॉल्यूशन भी है। बट ये चीज़ है कि जब भी आप बैठते हो, आप सेंटर में बैठते हो, इंजन होता है सेंटर में, सो बाइक सही तरीके से चलता है। अब मेरा डोमिनार का इंजन एकदम से आगे की ओर है, मैं मिडल के पीछे बैठता हूँ थोड़ा सा एंड जब पिलियन बैठता है तो वो एकदम से पीछे बैठता है। तो ये डोमिनार के अंदर अगर हैवी पिलियन बैठेगा तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा नॉर्मल अगर कोई भी आपका बाइक होगा उसके अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी पिलियन को बिठा रहे हो, हैवी पिलियन को, तो आपका हैंडल हिलेगा क्योंकि ये चीज़ मुझे पता चला कि जैसे ही आप पीछे हैवी पिलियन को बिठाते हो आगे का जो लोड है, आगे का जो वेट है वो एकदम से कम हो जाता है एंड जिसके वजह से वो टायर हवा में आ जाता है। यार तो जब एक बार ये टायर हवा में आ जाता है तो फिर आपका जो प्रेशर रहता है, आपका जो वेट होता है वो अलग तरीके से डिवाइड हो जाता है एंड जिसके वजह से ये होता है कि आपका जो वेट है वो सही बैलेंस नहीं होता है, आपका हैंडल इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि वो हैंडल फ्री हो जाता है। एंड अगर ये हैंडल एक बार फ्री हो गया तो फिर सिंपल सी बात है, फिर आप किसको कितना भी कंट्रोल करने का कोशिश करो वो इधर उधर जाएगा। एंड ज़्यादा करके ये स्लो स्पीड में होता है, तो स्लो स्पीड में भी होने का इसका रीज़न ये है कि जब बाइक थोड़ा सा स्पीड चलता है तो बाइक ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे अपना दोनों हाथ छोड़ दूँ तो बाइक ऑटोमेटिकली बैलेंस है, दिख रहा है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी हैवी पिलियन बैठेगा तो आपको अपने आगे के हैंडल पे थोड़ा सा वेट वाला चीज़ लगा देना है। मे भी हो सकता है वो बैग हो या कुछ भी चीज़ हो, या फिर आप अपने टैंक पे
कुछ चीज़ रख दो जिसके वजह से आगे की ओर लोड जाए, आगे की ओर सही तरीके से वेट जाए एंड आपका बाइक का वेट बैलेंस सही तरीके से हो, या फिर आप थोड़ा सा अपना वेट को आगे शिफ्ट करके टैंक के ऊपर थोड़ा सा बैठ के बाइक चला सकते हो। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को क्या करना है। थोड़ा सा वेट आगे की ओर शिफ्ट कर दो, या फिर थोड़ा सा कोई हैवी चीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक अपना बैग है, मेरा बैग मैं आगे की ओर रख देता हूँ तो जिससे मुझे तकलीफ़ नहीं होगा। तो आपको ये तरीके से अपना वेट बैलेंस करने का कोशिश करना है। कुछ एक और टिप मैं आपको साथ में देना चाहूँगा एंड वो ये कुछ इस तरीके से है कि आप जब अप हिल चढ़ने जाओगे तो इसमें ज़्यादा तकलीफ़ होगा, तो आपको थोड़ा इस तरीके से झुक के बैठना पड़ेगा और ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा आगे के व्हील पे। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेमिना खाता है, तो सिर्फ अपील के टाइम पे ट्राई करना, एवरी टाइम इसको ट्राई मत करना। अब एक और बात है कि कभी कभी ऐसा होता है, उसका रीज़न ये रहता है कि पिलियन, यस ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है जब मेरे साथ पिलियन ट्रैवल कर रहा था एंड पिलियन ऐसा डर के मारे एक बाजू बैठ जाता। तो जब पिलियन डर के मारे एक बाजू बैठेगा या हिलेगा या जो भी चीज़ करेगा, इसके वजह से भी ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पिलियन सही तरीके से बैठे, आपके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करके बैठे एंड वो सेंटर में बैठना चाहिए, ना कि लेफ्ट और ना कि राइट में, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया था जब मैं फर्स्ट टाइम पर पिलियन को बिठा के लेके जा रहा था, तो वो एक साइड में बैठा था जिसके वजह से मेरा बाइक नहीं कुछ नहीं हो रहा है, मेरा बाइक सिर्फ एक ही साइड में झुक रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ नहीं, फिर थोड़ा टाइम बाद ना मतलब 5 मिनट बाद मेरा हाथ दुखने लग गया। बोला यार कभी मैं 1.5-2 घंटा बाइक चलाता हूँ कभी हाथ नहीं दुखता है। फिर बाद में मैंने पीछे देखा और फिर पूछा कि सर क्या आप एक साइड में बैठे हो, तो यस, तो एक साइड में बैठने की वजह से ना वो बाइक का प्रेशर सही तरीके से नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, बाइक रुकाया और सही तरीके से बिठाया एंड फिर इसके बाद बाइक चलाना आगे। तो आप ये चीज़ याद रखना कि वो भी एक प्रॉब्लम है, पिलियन आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए एंड आपको सही तरीके से वेट बैलेंस करना है। तो ये तो आप थोड़ा आगे बैठ जाओ, पिलियन को थोड़ा आपके आगे नज़दीक लेके आओ, जिसके वजह से वेट सही तरीके से बैलेंस हो जाएगा, आपका हैंडल हिलेगा नहीं एंड इस तरीके से आपका ब्रेकिंग में भी तकलीफ़ होगा। अगर पिलियन का वेट पीछे रहेगा तो ब्रेकिंग में भी तकलीफ़ होगा। तो मेक श्योर कि आप सही तरीके से बैठो जिससे पिलियन और आप सही तरीके से बाइक चला पाओ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सो आपको इस वीडियो में आपका आंसर मिल गया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।